सुप्रभात मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के वीडियो में बताऊंगा एल नीनो क्या है एक एल नीनो एक महासागरीय धारा है महासागरीय गर्म जल की धारा है जो इसकी उत्पत्ति स्थल यानी ये उत्पन्न होते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पर ये हर साल दिसंबर के महीने में उत्पन्न होते हैं और जब दिसंबर के महीने में उत्पन्न होते हैं तो पेरू तट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ऐसे विश्व के अन्य भागों में भी प्रभाव दिखते हैं लेकिन खास करके पेरू तट पर और जब पेरू तट पर ये जब उत्पन्न होते हैं दिसंबर के महीने में तब फिर वहाँ पेरू तट पर तापमान बढ़ के दस सेंटीग्रेट और बढ़ जाते हैं जिसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि पेरू के तट पर मछलियाँ मरने लगती हैं चूँकि जल में तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और साथ साथ वहाँ पर जो, जो उसके भोजन के लिए जो प्लैंकटन होता है वह भी नष्ट होने लगता है जिसके चलते मछलियाँ मर जाती है और साथ साथ इसका प्रभाव अमेरिका के तट पर भी बढ़ते हैं तो अमेरिका के तट पर आसपास में काफ़ी भारी वर्षा होती है जबकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर और इंडोनेशिया में खास करके यहाँ सूखा सूखा की स्थिति उत्पन्न कर देती है यह एक ऐसी धारा है जिसका द्विधारा तलवार की तरह चलती है एक तरफ सुखार लाती है तो दूसरी तरफ वो बाढ़ लाती है और ऑस्ट्रेलिया के में इंडोनेशिया में सुखार जबकि अमेरिका में यह बाढ़ जैसी स्थिति ला देती है इतनी बार सी होती है जहाँ तक भारत की बातें हैं भारत में हर हर एक पाँच साल पर इसका प्रभाव दिखता है और जब भारत में प्रभाव दिखता है तो यहाँ पर मानसून कमज़ोर हो जाते हैं और मानसून जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उस साल उस साल औसत वर्षा की मात्रा घट जाती है यानी सुखार ला देती है ज़्यादातर एल नीलों का प्रभाव रहता है कि सुखार लाने में ये मशहूर हो जाती है लेकिन कुछ ही जगह है जहाँ पर ये घनघोर वर्षा कर देती है बहुत बहुत धन्यवाद फिर हम दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे ठीक